अब करते हैं स्टार्ट। तो आज हम लोग मिले हैं वेक्टर एलजेब्रा के डिस्कशन के लिए। तो उसकी डीपीपी नंबर 82 वेक्टर एलजेब्रा के लिए जो फर्स्ट डीपीपी, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, उस वर्टाइसेस एज द पोजिशन वैक्टर। तो मुझे इनका पोजिशन वैक्टर दिया हुआ है, समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये जो है ये ओ ए वैक्टर होगा, ठीक है। ये इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। तो पोजिशन वैक्टर दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है, ए बी सी, ठीक, तो ए का पोजिशन वेक्टर मुझे पता है जो कि है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। सिमिलरली मुझे बी का पोजिशन वेक्टर पता है, दैट इज 5 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस, सॉरी, -3 k कैप, माइनस का 3 k कैप, ये मुझे पता है बी के लिए। और सी वाले के लिए मुझे क्या पता है? पोजिशन वेक्टर 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 9 k कैप, ठीक। अब मुझे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर चाहिए, तो मुझे इसकी साइड लेंथ चाहिए। तो साइड लेंथ निकालने के लिए तो सबसे पहले मुझे इस ए बी वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा ना भाई। ये तो ए का पोजिशन वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ए बी वेक्टर निकाल देता हूं मैं आप लोग के लिए। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर एरो बी की तरफ जा रहे हैं, तो बी माइनस ए, दिस माइनस दिस, यानी कि 5 - 1 करेंगे तो 4 i कैप प्लस 3 - 1 करेंगे तो 2 j कैप, और -3 में से -k करेंगे तो माइनस का 4 k कैप, ठीक। सेंस बना रहा है? सिमिलरली बी सी वैक्टर क्या हो जाएगा भाई? बी सी वैक्टर क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस, यानी कि माइनस का 3 i कैप, फिर प्लस का 2 j कैप, फिर दिस माइनस दिस, यानी कि प्लस का 12 k कैप, ठीक। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी ए की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो सी ए क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस तो आई कैप, दिस माइनस दिस तो 4 j कैप, एंड दिस माइनस दिस यानी कि 8 k कैप, क्लियर है? तो अब मैं ए बी वेक्टर, ये सब वेक्टर्स निकाल चुका हूँ, तो इनका जो मॉडुलस होगा वही तो मेरी साइड का लेंथ होगा, ठीक है। निकाल देते हैं यार, तो मॉड ए बी कितना हो गया भाई अपना? मॉड ए बी, तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 36, ये आएगा 6। मॉड ऑफ बी सी कितना हो जाएगा? ठीक है, 144 और 9, 144 और 9 157 आएगा रूट में, अंडर रूट ऑफ 157 आ जाएगा। और मॉड ऑफ सी ए वेक्टर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे कितना आ गया? 64, 64 और 16, 80 और 81, 81 यानी कि 9 आ गया। इन सबको जोड़ना है, जोड़ दिया जाएगा 15 प्लस समथिंग, 15 प्लस ये वाला, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, देख लो।